दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको डीडी फ्रीडिस को एंड्रॉयड मोबाइल की सहायता से सेट करके बताने वाला हूं और पूरा कंप्लीट मेथड इसका बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों हमको LNB का SKU सेट कर लेना है, थोड़ा सा ऊपर उठा के जैसे डीडी फ्रीडिस पे हम रखते हैं इस तरीके से आपको LNB SKU सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली अपना एंड्रॉयड मोबाइल लेना है और उसमें दोस्तों आपको प्ले स्टोर खोलना है और वहां से दोस्तों एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है। वैसे तो दोस्तों बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी लेकिन मैं आज आपको ऐसे एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आपकी डिश जो है 100% यहां पर सेट होने वाली है। तो ये सेटेलाइट डायरेक्टर के नाम से दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन मिल जाएगी, इसको सिंपली अपने एंड्रॉयड फ़ोन में दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए मुझे यहाँ पे ओपन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो आप सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा और दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल का डेटा जो है ऑन कर लीजिएगा और अपने मोबाइल की जो लोकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा, तभी दोस्तों ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में प्रॉपरली काम करेगी और प्रॉपरली आपकी डिश को ये सेट करेगी। तो सिंपली यहाँ से मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर थोड़ा सा हमको वेट करना होता है, यहां पे आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो जैसे दोस्तों आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है इसका मतलब है कि इस मोबाइल ने इस एप्लीकेशन ने आपकी लोकेशन सही से यहां पे ट्रेस कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी लोकेशन जो है सही से ट्रेस हो चुकी है। अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि जो स्क्रीन है इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्वाइप करना होगा। तो जैसे ही हम स्क्रीन को लेफ्ट साइड में स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे सैटेलाइट की तमाम यहाँ पे लिस्ट खुलने वाली है, उन्हीं सैटेलाइट में से दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस सैटेलाइट पर अपनी डिश को यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सैटेलाइट की हमारी लिस्ट खुल चुकी है और यहाँ पर हमको देखना है कि हमारी डीडी फ्रीडिस, क्योंकि आज के इस वीडियो में डीडी फ्रीडिस को सेट करने वाला हूँ तो डीडी फ्रीडिस का सैटेलाइट कौन सा है यहाँ पर आपको देखना होगा। तो यहाँ पर तमाम दुनिया के सैटेलाइट आपको मिल जाते हैं। तो यहां पर हमारी जो डीडी फ्रीडिस सेट करना है तो इसके लिए दोस्तों आपको सैटेलाइट सेलेक्ट करना है, GSAT-15 सैटेलाइट। तो यहां पर मैंने GSAT-15 को यहां पर सेलेक्ट कर लिया है सैटेलाइट को। तो इस तरीके से दोस्तों आप जिस सैटेलाइट पे अपनी डिश को सेट करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो डीडी फ्रीडिस अगर आप सेट कर रहे हैं तो GSAT-15 यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे करा है। अब क्या करना है दोस्तों, एक बार फिर से स्क्रीन को लेफ्ट साइड में स्वाइप करना है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन को हम लेफ्ट साइड में स्वाइप करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब दोस्तों हमको क्या करना होता है कि इस मोबाइल को डिस्क के ऊपर ले जाकर रखना है, कैसे रखना है वो आगे बताऊंगा। तो रखने के बाद दोस्तों मोबाइल को यानी कि डिस्क को जैसे हम घुमाते हैं तो हमारा मोबाइल भी घूमता है। तो जहाँ पर दोस्तों हमको डीडी फ्रीडिस का सिग्नल मिलेगा वहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आप बॉल देख पा रहे होंगे छोटी सी ग्रीन कलर की, वो उस गोल घेरे के बीच में चली जाएगी। तो यहाँ पर जब भी बीच के अंदर चली जाएगी इसका मतलब है हमारे डीडी फ्रीडिस पे हमारी डिश सेट हो चुकी है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल को डिस्क पे कैसे रखना है। तो मोबाइल को डिस्क पे रखने के लिए दोस्तों सिंपली जहाँ पर LNB आपकी लगी हुई रहती है उस डंडे के पास में दोस्तों इसको रखना है, पैरेलल में बिल्कुल समांतर में आपको इसको रखना है या फिर LNB के ऊपर भी आप रख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये रखें कि मोबाइल जो है इसकी लोहे की जो डंडी है उसके टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि इसमें मैग्नेटिक सेंसर होता है मोबाइल में, तो अपने जो एप्लीकेशन है प्रॉपरली काम नहीं करेगी और इसका मैग्नेट जो डिस्टर्ब हो जाएगा। थोड़ा सा दूर रखना है लेकिन मोबाइल को बिल्कुल पैरेलल में इसको रखना है, थोड़ा सा दूर में। तो इस तरीके से आपको रखना है और फिर डिस्क को धीरे धीरे दाएँ बाएँ आपको घुमाना है और यहाँ पर देखना है कि जो बॉल है वो उस गोल घेरे के बिल्कुल बीच में आपको यहाँ पर आ जानी चाहिए। तो जैसे ही दोस्तों आपकी बॉल यहाँ पर बीच में आ जाती है इसका मतलब है कि आपकी डिस्क जो है यहाँ पर GSAT-15 सैटेलाइट यानी कि डीडी फ्रीडिस पे सेट हो चुकी हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे हमारी बॉल जो है बिल्कुल बीच में आ चुकी है, यानी कि दोस्तों अभी हमारी जो डिश है डीडी फ्रीडिस पे सेट हो चुकी हैं। अगर दोस्तों ऐसा करने के बाद भी आपके सिग्नल नहीं आते हैं तो यहाँ पर हल्का सा डिस्क को जो है आप ऊपर नीचे करके देखिएगा, आपको यहाँ पर 100% सिग्नल मिलने वाले हैं। तो अभी आप यहाँ पर टीवी में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल के रखी थी ताकि सिग्नल आने के बाद में मैं आपको बता सकूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल ईजिली से दोस्तों 72% मुझे सिग्नल मिल चुका है। अब दोस्तों थोड़ा सा डिस्क को अगर आसपास में और एडजस्टमेंट करेंगे, LNB को और एडजस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम सिग्नल है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके अपनी डिस्क को किसी भी एंगल पे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने डीडी फ्रीडिस को सेट करा है, आगे दोस्तों हम अलग सैटेलाइट को भी आपको सेट करके बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप चैनल भी देख लीजिए, डीडी फ्रीडिस के सारे चैनल हमारे चल रहे हैं
और सभी पे यहाँ पे प्रॉपर हमको सिग्नल मिल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है मोबाइल का यूज़ करके, अपने एंड्रॉयड मोबाइल का यूज़ करके अपने डिस्क को जो है आसानी से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आगे एक नए वीडियो के साथ।